दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी एक रेसिपी लाए हैं जिसकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है और हम इसे बहुत आसानी से ही घर पे बना सकते हैं। तो आपको हम बहुत इंतज़ार नहीं कराते हैं, चलिए बनाते हैं। मसाला बीट फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतनी बढ़िया है आखिर क्या है। भाई बात यह है कि जब कोई त्यौहार आ जाता है ना तो इस रेसिपी की ज़रूरत सबको पड़ती है। और सच तो ये है कि हम उस टाइम सफाई करें और कई बार हम अपने लिए शॉपिंग भी करने के लिए जाते हैं तो समझ नहीं आता कि समय तो उतना ही है लेकिन हमें बनाना भी बहुत कुछ होता है। अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता। तो हम आपको बहुत सस्पेंस में नहीं रखते। जी हाँ, आपको हम बताने जा रहे हैं खोए की रेसिपी जिसे आप 5 मिनट में ही तैयार कर लेंगे। 5 मिनट भी मैंने बहुत कह दिया दोस्तों, ये कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगी। और ना तो आपको खोए के लिए दूध को घोटना है, ना गाढ़ा करना है, ना उसके लिए आपको घंटों समय देना है और ना ही आपको ये परेशानी भी होगी कि भाई जो खोया है वो मिलावटी है। अब आपने बनाया झटपट घर पे तो वो शुद्ध तो है ही, शुद्धता की पूरी गारंटी है। आप इससे गुंजिया बनाएं, बर्फी बनाएं, आप इसे किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इसमें हमें किस सामान की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 150 ग्राम मिल्क पाउडर है और इतना ही हमने ले लिया मलाई। बस हमें यही सामान चाहिए और हमें चाहिए कुछ नहीं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। देखिए एक बाउल लिया, उसमें हम ये मिल्क पाउडर अपना डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें हम डाल दे रहे हैं मलाई। ये देखिए, और मलाई को इसमें पूरी तरह मिक्स कर देंगे। ये खूब अच्छे से मिक्स कर दें आप, इसमें मिला दीजिए। ये बहुत टेस्टी होता है और आपको ये जब आप कोई भी सामान इससे बनाएंगे तो किसी को ये समझ नहीं आएगा कि आपने खोया है या आपने इसे मिल्क पाउडर से बनाया है खोया। ये इतना टेस्टी होता है पता ही नहीं चलता। ये देखिए ये मिल चुका है। आप जब भी कोई मिठाई बनाएंगे तो ये समझ नहीं पाएगा कोई भी कि ये मिल्क पाउडर का खोया है या असली वाला खोया है जो आप दूध से बनाते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए एक पैन लिया हमने, गैस को बिल्कुल हल्का जला रखा है, तेज़ नहीं है बिल्कुल भी, और उसमें इसको डाल देते हैं और इस तरीके से आप कुछ सेकंड के लिए इसको आप चलाएंगे। बस ज़्यादा इसको हमको नहीं चलाना है और ये आपका खोया बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। ये देखिए आपके लिए ये खोया बनके तैयार हो चुका है और इसे हम एक बाउल में लौट लेंगे और लीजिए खोया बनके तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। लीजिए झटपट खोया बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रेसिपी के साथ। देखते रहिए मसाला बीट।